नहीं है, बीजेपी उनको फंसा सकती है, आरोप लगाया हुआ। देखिए वो भ्रम में चलते हैं। देखिए चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है ना, हमेशा उस शक में रहते हैं जो गलती किए हैं क्यों फंसाएगी उनको। नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा सप्लीमेंट्री में नाम नहीं है लेकिन हमारे ही नाम को डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, हमें फंसाना चाहती है केंद्र सरकार। हालांकि इसको लेकर आज नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर हमला करते हुए कहा है कि स्वतंत्र एजेंसियाँ जो है वो अपना काम करती है, वहीं जो बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार को भागीरथी प्रयास का नाम दिया गया था तो नरेंद्र मोदी भी भागीरथ हैं। ये बात नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से हर जगह पर विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हीं के भागीरथ प्रयास से हर जगह जो है विकास की गंगा बह रही है। नित्यानंद राय हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। कर्नाटक चुनाव पर जब यह सवाल पूछा गया कि कर्नाटक में आपकी इस तरीके से हार हुई है इसको लेकर, तो उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा उसमें जो है वो विजयी एनडीए की सरकार ही होगी। सुनिए पूरा बयान। कुछ अच्छाई सोच कर फैसला हुआ होगा। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि उनका चार्जशीट में नाम नहीं है, बीजेपी उनको फंसा सकती है, आरोप लगाया हुआ। देखिए वो भ्रम में चलते हैं। देखिए चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है ना, हमेशा उस शक में रहते हैं जो गलती किए हैं क्यों फंसाएगी उनको। अगर गलत किए हैं तो फंसेंगे ही, कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर जिस प्रकार की बातें आ रही हैं सर उनके द्वारा और इस देश की जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वह कानून के हिसाब से काम करती हैं, जो दोषी है उसको कानून छोड़ेगी नहीं और जो निर्दोष है उसको क्यों पकड़ेगी। तो इसलिए उसमें कहीं से भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, जो गलती करेगा कानून वहां तक पहुंचेगा। 2000 के वोट बंद होने पर कहा जा सकता है भ्रष्टाचारियों के लिए नकेल कर दी जाएगी। देखिए अब सरकार की है तो बहुत कुछ सोच कर की है, अच्छा के लिए है, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए और पारदर्शिता के लिए। जिस तरह से कर्नाटक हार करके सीटों को एनडीए को जिताकर भाजपा को जिताकर पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, विकास के भगीरथ है नरेंद्र मोदी जी, उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर तक जन जन तक पहुँचेगी। शपथ ग्रहण है वहाँ काफी खुश है मुख्यमंत्री, कर्नाटक में हमारे ही कारण ऐसा हुआ है। देखिए वो तो उन्हीं का मन जानता होगा और वह चाहते थे कि सब पार्टियां कमजोर हो और हम जो है हम कांवड़ नेतृत्व को लोग स्वीकार करें। ना पहले कोई स्वीकार किया था ना आगे कोई करने वाला है, क्यों कोई करेगा। बिहार में एक सीट तो उनको आना नहीं है, यूपीओ को जब एक सीट बिहार में नहीं आना है तो क्यों उनको कोई मानेगा। अब घूम रहे हैं, घूमने के लिए किसी को कोई रोक तो नहीं सकता।